नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आवास पाने को दर दर भटक रहे पात्र और योजनाओं का लाभ ले रहे हैं अपात्र, इस बात से ग्रामीणों में पनपा है आक्रोश। केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चलाती है, अगर इनका पूरी तरह क्रियान्वयन कर दिया जाए और 100% लाभ पहुँचा दिया जाए तो गाँव की हालतें बदलने में देर ना लगे। पर ऐसा होता कहाँ है? सरकार की तमाम कोशिशें विभागीय जिम्मेदारों की लापरवाही के सामने दब रोक देती है। आलम तो अक्सर ये दिखता है कि उन लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा मिल जाता है जो वास्तव में इसके हकदार ही नहीं होते, और जो हकदार होते हैं, जो पात्र होते हैं, वो बस शिकायत करते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते थक हार कर घर बैठ जाते हैं। यही हाल बुंदेलखंड के जनपद चित्रकूट की पहाड़ी ब्लॉक के तौरा ग्राम पंचायत के सिकरिया मजरे का है। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमकर प्रधान और सचिव के द्वारा लापरवाही और अनियमितता की गई है। इस संबंध में गांव वालों ने जिलाधिकारी से ऑनलाइन शिकायत भी की है। गाँव वालों का ये आरोप है कि प्रधान दिनेश कुमार और सचिव कमलेश सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्रों के नाम काट कर अपात्रों को दे दिया है। गांव वालों ने इस संबंध में जिलाधिकारी से ध्यान देने की अपील की है। उधर गांव के राम प्रकाश तिवारी ने कहा कि इस संबंध में जन सुनवाई होटल में भी शिकायत की गई है। वहीं गांव निवासी राणा गौतम, त्रिशूल चंद्र, जगनंदन पांडे, बब्बू प्रजापति, नथुनिया यादव और मनराज यादव आदि लोगों का कहना है कि हमारे पास सर छुपाने तक की जगह नहीं है और कई बार प्रधान से भी कहा लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और आवास आज तक नहीं दिया गया। नाम ना छपने का अनुरोध करते हुए एक व्यक्ति ने ये भी बताया कि प्रधान और सचिव द्वारा केवल उन्हीं लोगों को लाभ दिया जाता है जिन लोगों से इन लोगों को सुविधा शुल्क प्राप्त होता है, या फिर प्रधान केवल और केवल अपने नजदीकी लोगों को ही लाभ दिलाएगा चाहे वो अपात्र ही क्यों ना हो। इस संदर्भ में सचिव कमलेश सिंह से जब जानकारी प्राप्त की गई तो उनका जवाब भी संतोषजनक नहीं था। उनका कहना था कि जब प्रारूप मिल जाएगा तो अपात्रों की आवाज निरस्त कर दिए। मेरा नाम और बिहारी मिश्रा है, ग्राम सिकरिया और काफी नागी चौदह थाना पहाड़ी इलाके। आपकी समस्या क्या क्या है? मेरी समस्या है, मुझे वो मेरे बगल में शिव विकास रहता है, अनावश्यक मुझे सुना सुना के गाली देता है, बाप बेटा दोनों है, न कुछ की चीज़ मैंने लेना एक न देना तो उससे मेरा कोई वास्ता प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सुना सुना गाली देता है और कहता है माता चौथ मेरा बनने नहीं दे रहे हैं, फलाना है ढिकाना है, जबकि मैं आज तक कोई किसी के पास किसी अधिकारी के पास नहीं गया आना आया। फिर आज मैं सुबह गाली दिया तब मैं आपके पास आया कि ताकि इसका क्या कहते हैं निराकरण तो हो है, गाँव समाज की जमीन बेचा है और पैसा रख लिया, उसमें पटवारी है गांव समाज का प्रधान जो भी है वो उसके क्या कहते हैं जवाबदारी, लेकिन आज तक उसके कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं तो क्या अभी तक जो है लेखपाल और जो प्रधान के द्वार पर कोई कार्रवाई नहीं कार्रवाई हुई है, और वो मकान बना लिया है रहता है उसी में मलखान नाम का यादव जो है उसी मकान बना लिया है रहता है। और रोड है इसके खेत के पास रोड है, पूरी रोड कवर करके रखा है, वहीं पर वजह रखा है, चार से गोरू बांधता है, कोई जानवर या ट्रैक्टर आने जाने में बड़ी समस्या है हैं। और इसकी कॉलोनी आ गई है, किसने माना किया क्या है भगवान जाने, मैं नहीं जानता, लेकिन ये कॉलोनी का पात्र नहीं है, जिसको पात्र है उसको मिल नहीं रही है हैं। वो क्या बोलते हैं पन्नी लगा लगा के आदमी रह रहा उसको उनको नहीं मिल नहीं तो ये अगर अपात्र हैं तो कैसे आप कह रहे हैं कि अपात्र हैं? इसके पास जमीन है, कम से कम 15-20 बीघा जमीन है, इसके पास राइफल का डबल बोल बैरल का लाइसेंस है और इसके पास खेती है और लाइसेंस है,
मोटरसाइकिल है, हैं, जब इतने आदमी इसके पास इसकी समस्या है तो ये शासकीय आवास का या पात्र कहाँ? अच्छा ये बताइए, जिनको जो पात्र हैं जिनको कॉलोनी नहीं मिली है, जो मतलब आपका कहना कि पन्नी डाल के रहे, उनके नाम क्या आपको मालूम है? हाँ बताइए उन लोगों के नाम। देखो एक मिनट, बाबू कुमार, उसका चुन्नी लाल कुमार जी, दूसरा है जगनंदन पाड़े, इनको अभी तक वो भी नहीं मिली है। इसके अलावा रमाकांत है, नथुनिया नथुनिया कहते यही, उसको पन्नी में लगा के रहता है, उसका पूरा घर गिर गया है और नथुनिया उसमें रहता है। जो दुबे टूटी वो पन्नी लगा के रहती है, उसका भी घर गिर गया है। ऐसे आदमी को प्रधान को जो भी कोई भी अधिकारी वो करता है, कानूनी देता है पात्र को, तो उसको देख करके देना चाहिए कि इसको जगह है कि नहीं है, ये कहाँ रह रहा क्या नहीं है, तो उसको कोई नहीं देखता। जब हम आप गए और चाटे उठा दिया और 150 रुपया उसको दिए किसी प्रकार से पहन कर सुन करके और अपना काम सीधा कर लिए। किस उसमें से इसको पाते 190,000 का क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं, 190,000 का क्रेडिट कार्ड बनवाए, तो जब इसको इतना लाख का क्रेडिट कार्ड बनवाए तो किस आधार पर इसको मिलना चाहिए? लेकिन इनका जो क्रेडिट कार्ड उससे 86,000 का है। नहीं, 190,000 का है। इनका मैं बोल रहा हूँ, शिव प्रकाश का। हाँ। और जो है दूसरा इनके भाई का है। हाँ, तो दोनों भाई साथे रहते हैं ना? अच्छा, दोनों भाई दोनों साथे रहते अलग नहीं है। अच्छा। उसकी शादी भी नहीं हुई है। अच्छा। उसकी शादी नहीं करने दिया। दोनों भाई एक साथ रहते हैं। नहीं, तो जो ये आपको गाली गुप्ता दे रहे हैं तो इसका मतलब इनका आपका और इनका कोई आपसी भी विरोध है क्या? पहले वो था, अभी तक चल रहा है। मेरा घर के बगल में इसका घर है, मेरी जमीन थी उसमें, तो उसको भी दबा दिया है, अभी भी वो जमीन दबाई हुई जारी है। थानेदार साहब आए और SDM साहब के पास में जो थाना CSP में गया, तब जाकर के उन्होंने कहा कि जाकर के इनका समस्या देख करके हल करेगी। तो राज कपूर यादव थे तो खड़े खड़े क्या कहते हैं, मेरा घर में नहीं थे, दीवार छपाई नहीं करने दे रहा था, गाली गलौज मार पिटाई करने के, मैं औरत और क्या कहते हैं, तीनों बच्चे आ गए थे। नहीं तो जब राज कपूर यादव गए तो उन्होंने जो है आपकी जो समस्या हल करा दी। अब समस्या का पूरा वो कर दिया और फिर भी वो चले गए तो मकान उतना टेढ़ा करा दिया, अभी भी घर मकान मेरा टेढ़ा है, कितना करके बोले यहाँ से यहाँ जाएगा ही का। और मेरा भी दिमाग को हो गया था, लेकिन वो तुम्हारे गांव का क्या कहते हैं या कुम्हार है ना, हरिदयाल, उसने कहा, बोले हाथ जोड़ के बोले साहब आप इतने बड़े आदमी हो, कहे कि इसके कटी इतना छोड़ के कुछ नहीं जाता है, इतना छोड़ लेने से आपका कुछ देना बिगड़ेगा नहीं, और नहीं छोड़ के कोई और बात करेगा तो ज़्यादा वो हो जाएगा और इसके लिए नहीं देने पड़ जाएगा। नहीं तो क्या जो है आपने अपने जो है मतलब कभी भी जो है ग्राम प्रधान या सचिव से जो है कभी इस संदर्भ में जो है कहा? नहीं, मैं इसके विषय में नहीं कहा, और जो भी बातें हैं इसका झगड़ा वगड़ा तो मैं कलेक्टर SP तहसीलदार थानेदार सबको मैं आवेदन दिया, कोई सुनवाई आवेदन नहीं। नहीं तो आवेदन देने के बाद भी कोई जो कार्रवाई नहीं आ, तो मेरे पास उसकी प्रूफ रखे हैं, रजिस्ट्री की रसीद रखी है, मैं कोई वो नहीं करता हूँ, मैं कन्फर्म बात काम किया करता हूँ। नहीं, इनके कॉलोनी के संदर्भ में मैं इसके विषय में नहीं बोला किसी, आपने बोला नहीं, लेकिन फिर भी जो है आपकी वो है क्या नाम है आपके लिए जो है उसमें जब मतलब शिकायत में जो है जिलाधिकारी के मेरे नाम डाल दिए होंगे तो कोई बात नहीं, करने वाले डाल कॉल में ना मिलना चाहिए। हाँ, अगर नाम डाल दिए तो कोई गलत तो नहीं डाला? कोई गलत नहीं डाला है, जो इसने डाला है तो कोई गलत नहीं डाला। हाँ, जिसने कोई डाला है कोई जो कहें सामूहिक तौर पर उसने जो किया है सही किया है। गाँव के इसमें जो कई लोग जो इनके जो विरोध में है कि भाई ये जो है पात्र है, हाँ, पात्र है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और इनकी जो है 40,000 रुपए इनकी जो पहली जो है किस्त भी इनको जो प्राप्त हो चुकी है। तो ईटा गए है ना, ईटा गिर गया है इनके। जी जी जी। हाँ, तो मतलब जो है
कुल मिला के आपके ये कहना है कि इसकी जो है कॉलोनी जो है निरस्त होनी चाहिए और जो सरकार का पैसा वापस होना चाहिए और जो पात्र आदमी उनको मिलना चाहिए। जो गरीब आदमी पन्नी लगा के रह रहे हैं बरसात में, उनको बैठने का ठौर नहीं है, वो जा करके खुद जो कॉलोनी दे रहा है वो प्रधान या सचिव या वीडियो महोदय, वो जाकर के खुद जाकर के देख चुकी इनकी समस्या क्या है। नहीं तो मतलब जो है कॉलोनी आपके यहाँ जो है दे दी जाती है लेकिन उनको जो है कोई ये नहीं देखता कि पात्र है या अपात्र। पात्र कोई नहीं देखता, प्रधान के द्वारा सब मनमर्जी का काम है, उसका मनमर्जी का काम है। सचिव भी जो है मतलब प्रधान का हिसाब दे रहा है। अब मैं क्या बताऊं कि सचिव क्या का है भाई, अगर जो है कानूनी या नहीं कोई भी विकास होता है तो जो है मतलब प्रधान और सचिव के दोनों के जो है उससे मैं आता सचिव का सकल तक नहीं देखे कि सचिव कैसा है, उसका नंबर पूछ रहा हूँ कोई नंबर तक नहीं बता रहा कि सचिव से बात करके उसको बताऊं कि ये समस्या कैसे है। कोई समस्या गाँव वाले कोई नंबर ही नहीं दे रहा है और जा करके देखिए नथुनिया कैसे हालत में रहता है, हाँ दुकान कैसे हालत में रहती है। हमारा पप्पू कुमार यह जगनंदन पाड़े हैं और उधर नथुनिया वो इसका नाम रमाकांत है कि रमाकांत का नाम है यार नथुनिया का जो है। टट्टी घर वो है बनवाया किसी को, अभी तक टट्टी घर नहीं बनी, मिली नहीं है उसको गांव में जाकर जो किसी अभी टट्टी घर तक नहीं बनी है न बन पाएगी। ये भी तो वह है गवर्नमेंट का स्वच्छ अभियान वाले में है तो इसको क्यों नहीं बन रही, मतलब शौचालय भी जो है शौचालय भी नहीं बनी है। अच्छा आपके यहाँ अभी तक में कितने शौचालय बने होंगे? अभी तो मैं सर्वे नहीं कर पाऊंगा लेकिन कुछ अंदाजा होगा। कुछ आदमियों की बनी है ऐसी बात नहीं है, अभी कुछ आदमियों की बनी है तो वो जाते भी नहीं है, सब बाहर जाते हैं। हाँ और जहाँ तक कि औरतें जाती हैं उनको शर्म नहीं लगती है कि हमको आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह की देश दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ। दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल करके सारी जानकारी देंगे। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।